गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑलवेज फाइन एंड हेल्दी. दिस इज वीना गुप्ता, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम अमरनाथ विद्या आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस टू यू. For the student of class 7th, today we start first topic integers. Before starting this topic, we revise some basic definition. Let us revise. First is natural numbers. All counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, and so on are called natural numbers. All counting numbers मतलब counting number जो one से start होते हैं, सारे counting number जो one से start होते हैं वो क्या होते हैं? Natural number. 1, 2, 3, 4, 5 and so on are called natural number. All counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 and dash are called natural numbers. Clear students? Do you know? Next is whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? Starting from 0. 0, 1, 2, 3, 4 and so on are called whole numbers. जो 1 से start होते हैं, 1, 2, 3, 4 ये सारे जो होते हैं natural numbers. And जो 0 से start होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, these are whole numbers. Clear? Natural numbers and whole numbers. Okay, next is even numbers. Even numbers kya hote hain students? Tell me. Yes, numbers which are divisible by 2 are called even numbers. That is, for example, 2, 4, 6, 8. ये सारे नंबर जो हैं 2 से डिविजल होते हैं. इट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं. डिविजल मतलब डिवाइड हो जाते हैं. जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर. जो 2 की टेबल में आ जाते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ओड नंबर्स. तो ओड नंबर्स क्या होते हैं? डू यू नो? टेल मी. ओके, numbers which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7, dash so on. यानी जो number 2 से divide नहीं होते. जो 2 से divide नहीं होते वो क्या होते हैं? Odd number. और जो 2 से divide हो जाते हैं वो क्या होते हैं? Even number. सो स्टूडेंट्स, ये हमने सिक्स में की थी डेफिनेशन जो हमने रिवाइज की हैं अभी. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर. क्लियर हो गया आपको? नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो ओड नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? द नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमा देयर नेगेटिव्स एंड द नंबर जीरो इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स एंड जीरो. दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 और नेचुरल नंबर्स. एंड -1, -2, -3 दीज आर नेगेटिव नंबर्स. एंड 0 इज आल्सो इंक्लूडेड आर कॉल्ड नेचुरल और कॉल्ड इंटीजर्स. तो नंबर सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ नेचुरल नंबर्स
their negatives and the number 0 is called the system of integers. तो ये सारे integers होते हैं जिनमें center में 0, 1, 2, 3 सारे positive natural numbers and minus 1, minus 2, minus 3 these are negative numbers. ये सब हो गए integers. Next is absolute value of integers. Absolute value of integer क्या होता है? Absolute value of an integer is the numerical value of the integer without taking its sign into consideration. It means absolute value of integer भी क्या होता है कि numerical value को आपको लेना होता है integer की, इसमें किसी साइन को नहीं लेते विदाउट टेकिंग इट्स साइन. इसे हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे. फॉर एग्जांपल 24, ये साइन किसका होता है? ये टू लाइंस, ये जो साइन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है. इट मींस 24 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका आंसर क्या आएगा? 24. ये 24 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की तो क्या आया? 24. ये तो पॉजिटिव है 24, इसलिए 24 ही है. लेकिन इसमें देखिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 18, ये साइन किसका है? एब्सोल्यूट वैल्यू का. इसके अंदर वैल्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू है. माइनस 18 नेगेटिव वैल्यू है. तो इसकी अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस पॉजिटिव 18. माइनस का साइन हट जाएगा, ये विदाउट इसका साइन नहीं आएगा, ओनली 18. इसकी वैल्यू क्या होगी? 18. तो माइनस 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई? 18, पॉजिटिव 18. कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है. तो 24 पॉजिटिव थी तो इसकी वैल्यू भी 24 आई पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू जब फाइंड की. और जब नेगेटिव वैल्यू की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की, माइनस लगा हुआ है, तब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की तो वो भी अपनी 18 आई पॉजिटिव. तो 24 पॉजिटिव की भी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव की भी पॉजिटिव आ रही है. तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर विदाउट टेकिंग इट्स साइन. इसमें साइन को इग्नोर करना है, साइन नहीं लेना, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. और एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसे. देखिए 70 माइनस 25, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसके बीच में 17 माइनस 25 है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का साइन है तो आपको 17 और 25 इनको क्या करना है? माइनस करना है. अब आप कहेंगे माइनस कैसे करेंगे इसे? 25 में से 17 को माइनस करेंगे. 17 में से 25 नहीं माइनस होगा क्योंकि 25 बड़ा है, तो 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8. अभी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रहेगा. अब ये माइनस 8 क्यों आया? क्योंकि 25 वैल्यू ग्रेटर है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है. ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर 8 के साथ माइनस का साइन आएगा. 70 में से क्योंकि हमने 25 को माइनस किया है इंटीजर में, 25 ग्रेटर है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस करके माइनस 8 आएगा. अभी अभी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व नहीं हुई है, अभी ये साइन लगा हुआ है. अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम सॉल्व करेंगे. पहले हमने माइनस किया, माइनस करके माइनस 8 आया, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई 8. अब माइनस हट जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आ जाएगी 8. तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएंगे तब उसकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं. दिस वन, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन के बाहर माइनस का साइन लगा है. पहले माइनस का साइन है फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है और इसके अंदर है 18 माइनस 5. जैसा कि इसमें नजर आ रहा है पहले हमें क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे. और जो ये बाहर माइनस का साइन है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, और अंदर जो हमने सॉल्व करेंगे इसे 18 माइनस 5 तो आ जाएगा 13. सॉल्व करके 13 आया, अंदर कोई साइन नहीं है क्योंकि 18 बड़ा है, 18 में से 5 को माइनस किया है तो माइनस का साइन नहीं आएगा. माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, ये आपका बाहर साइन लगा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू के. तो अंदर जब 13 की वैल्यू जब सॉल्व होगी वो 13 आएगी, लेकिन जो बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है वो एज इट इज आएगा. तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो ये तो 13 हो गया, बाहर माइनस का साइन लगाया तो माइनस 13. तो इसकी इस एग्जांपल में
क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा है इसलिए इसका आंसर आएगा -13। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर साइन लगा है तो वो एज इट इज ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स ऑल दैट क्लियर? ओके दिस इज इनफ फॉर टुडे। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। दिस इज अ होमवर्क 1। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू of 4 minus absolute value of -18। सबसे पहले आपको वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व करनी है और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद माइनस करना है। सेम हियर -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी पता है ना आपको? यस 15 प्लस फिर 32 एंड माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। तीनों की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन सॉल्व करना है, देन फिर प्लस एंड माइनस करना है। इसी तरह से -18 एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन प्लस 55 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन सॉल्व करने हैं फिर प्लस और माइनस करना है। लास्ट इज 5, इसमें कोई साइन नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू का, प्लस -5 एब्सोल्यूट वैल्यू देन -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू पहले सॉल्व करनी है देन फिर प्लस एंड माइनस करना है। Okay students, we will continue from my next video. Thank you. Have a nice day.